डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स इन नाइन्थ क्लास में भी किया था ना, याद है कुछ? नाइन्थ क्लास में भी किया था, डिवाइड किया था, ठीक है। सो जैसे कोई पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल बोलो आप अपनी तरफ से। हाँ बोलो। x माइनस वन एक पॉलिनोमियल है, एक डिग्री थ्री का पॉलिनोमियल बोलो कोई। x क्यूब प्लस टू एक्स प्लस नाइन, ठीक है, ये डिग्री थ्री का पॉलिनोमियल हो गया। ओके अगर इस ज़्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल को इस कम डिग्री वाले पॉलिनोमियल से, ये कम डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, इसकी डिग्री कितनी है अंकुश? वन, और इसकी डिग्री थ्री, ठीक है। तो इसको डिवाइड करूँगा पहले। तो डिवीजन का रूल क्या है? एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स क्यूब आए? एक्स स्क्वायर से। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो गया। इस एक्स स्क्वायर को फिर इस माइनस वन से भी मल्टीप्लाई करूँगा। माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हाँ है ना, ठीक है, आएगा ना यही? हाँ, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना। अब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की टर्म ऊपर कोई है नहीं, तो इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर साइड में लिख देता हूँ। अब देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डिवीजन में हम क्या करते हैं, ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म घटा देते हैं, साइन चेंज। चलो लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, आप ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म घटा रहे हो, डिवीजन में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू विल गेट जीरो, है ना, ठीक है। इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, और माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, यानी प्लस का एक्स स्क्वायर और बाकी टर्म्स 2x और 9 एज इट इज आ जाएंगी, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर को फिर यहाँ ना लिख के यहाँ साइड में लिख लूँ, मतलब सबसे पहले, कोई दिक्कत इसमें नहीं? पक्का? चलिए। सो अब कि इससे मल्टीप्लाई करूँ एक्स को कि एक्स स्क्वायर आए, एक्स से कर लूँगा। सो एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स, ये कैंसिल आउट, टू एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। सो ये थ्री एक्स प्लस में नाइन एज इट इज आ जाएगा। अब एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ? थ्री से। सो थ्री इंटू एक्स थ्री एक्स, थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री, और माइनस माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल आउट, नाइन प्लस थ्री 12 क्या आ गया आपका? रिमाइंडर आ गया, ठीक है, रिमाइंडर 12 आ गया। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता तो ये तो डिवीजन एल्गोरिदम हो गया। सॉरी, अब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? देखिए, एक सिंपल एग्जांपल देखिए आप। अगर 15 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बच गया? 3। सो 15 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू थ्री प्लस थ्री, लिख सकता हूँ या नहीं? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फर्स्ट चैप्टर था ना ये, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नंबर्स पे अप्लाई हो रही थी, और 15 को 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 15 हो गया डिविडेंड, 4 हो गया डिवाइजर, 3 आ गया एक कोशंट क्यू, और रिमाइंडर आ गया आर थ्री। ऐसा लिख सकता हूँ ना, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी दो गिवन नंबर हैं, सपोज ये थे 15 और 4, कोई और हो सकते हैं, तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करके मैं दो और नंबर, कोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकता हूँ। फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ इसका मतलब, है ना, ठीक है, नहीं फिर ये समझ क्यों नहीं आ रहा, है ना, ये तो आना चाहिए ना, बिल्कुल क्लियर। ओके, कोई नहीं, दोबारा डिस्कस कर देंगे उसको, आपका स्कूल में नहीं हुआ अच्छे से तो यहाँ डिस्कस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ भी मैंने क्या किया है, एक पॉलिनोमियल है, दूसरा पॉलिनोमियल है, तो इस हायर डिग्री वाले पॉलिनोमियल को लोअर डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मेरे को एक कोशंट मिल गया क्यू ऑफ एक्स, और एक रिमाइंडर मिल गया आर ऑफ एक्स, ठीक है। सो मैं यूँ लिख सकता हूँ कि p ऑफ x इक्वल्स टू, ये अगर g ऑफ x है, ये अगर p ऑफ x है, तो p ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, x इसका वेरिएबल हो गया, है ना, कन्फ्यूजन कोई? पक्का?
एक्स वेरिएबल है भाई, एक्स वेरिएबल है, हर पॉलिनोमियल में कोई ना कोई वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल मेरे को शो करना पड़ेगा ना, एक्स है या वाई है, कौन सा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल है एक्स, ठीक है, गॉट इट? कोई डाउट? मुझे दिख रहा है तेरे चेहरे पे कुछ, ज़बरदस्ती हाँ नहीं करना, नहीं है ना डाउट, पक्का? ठीक है, चलो, ये बात समझ आई, डिवीज़न एल्गोरिदम हो गया। अब अगर ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे 9 की बजाय होता -3, 9 की बजाय होता -3, ठीक है, तो इस डिवीज़न एल्गोरिदम में यहाँ भी वैल्यू कितनी आती? -3, यहाँ भी वैल्यू कितनी आती? -3, ये -3 और ये हो जाता +3, -3 +3, रिमाइंडर क्या बचता? 0, रिमाइंडर 0 बचता। अगर जब रिमाइंडर 0 आ जाता है डिवीज़न करने पे, तो हम क्या बोलते हैं, सपोज जैसे यहाँ पे 16 होता, 15 की बजाय 16 होता, सो 4 4 16, रिमाइंडर क्या आ जाता? 0, तो हम क्या कहते, 4 इज ए फैक्टर ऑफ 16, हाँ या ना, पक्का? तो यहाँ भी जब रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम क्या कहते, एक्स माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हाँ या ना, ऐसा ही बोलते ना। सो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता तो x माइनस 1 उसका एक फैक्टर हो जाता, और रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर rx लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हम, ठीक है। सो पॉलिनोमियल px जो है वो किस फॉर्म में आ जाता, px लिख रहा हूँ मैं यहाँ, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3, और ये किसके बराबर हो जाता, gx, gx क्या है, x माइनस 1, और qx क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है, हो जाता है ऐसा, कोई डाउट नहीं इसमें। अब दो फैक्टर और फाइंड आउट करने हैं, देखो क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है, 3, तो इसके मैक्सिमम कितने फैक्टर होंगे, 3, तो एक फैक्टर तो ये आ गया, और ये आ गया, फैक्टर तो है बट क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इससे दो फैक्टर्स और मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इस तरीके से हम इसके सारे फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, पक्का? चलो कोई बुक में से एग्जांपल बताओ या क्वेश्चन बोलो। या मेरे को दे एक बुक, मेरे को दे, पुनीत इधर दे एक बुक दे, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल्स, एग्जांपल 6 है, उसमें तो डिवाइड करना है सिर्फ आपको, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिदम से डिवाइड करके शो करना है। 7th एग्जांपल में भी डिवाइड करके शो करना है। फिर डिवीजन एल्गोरिदम की डेफिनेशन बता रखी है क्या होता है, फिर वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम, डिवाइड करना है, ठीक है, वेरीफाई करना डिवीजन एल्गोरिदम मतलब डिवाइड करके क्यू और आर फाइंड आउट करोगे, सो पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वो वेरीफाई करना हो गया। 9th एग्जाम्पल देखिए, 9th एग्जाम्पल देखिए, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोज आर रूट टू एंड माइनस रूट टू। 9th एग्जाम्पल देखिए, सो फाइंड ऑल जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, और इसके दो जीरोज दे रखे हैं, यानी x की वैल्यू एक बार तो रूट टू है और एक बार क्या है, माइनस रूट टू, ठीक है, ये समझ आई बात, ये एक पॉलिनोमियल है और इसके डिग्री कितनी है इसकी, 4, तो इसके जीरोज कितने होंगे, 4, और इसके फैक्टर्स भी कितने होंगे, 4, ठीक है। सो आपसे इसने कहा है कि इसके ऑल जीरोज फाइंड आउट करने, यानी चारों जीरोज फाइंड आउट करने हैं, दो जीरोज इसने दे रखे हैं, एक्स इक्वल्स टू रूट टू एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस रूट टू, ठीक है। अच्छा जी, इन जीरोज से फैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं मैं कैसे, इन जीरो से फैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूं इस पॉलिनोमियल के, पुट करने से तो आंसर जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, वो रिमाइंडर थ्योरम है, 9th क्लास में पढ़ी थी आपने,
रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि कोई पॉलिनोमियल है आपके पास, वो इसका फैक्टर होगा या नहीं। मान लो सपोज x माइनस वन एक पॉलिनोमियल है, वो इसका फैक्टर होगा या नहीं। कैसे पता करेंगे? x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू वन, ये इसमें पुट करेंगे और आंसर अगर ज़ीरो आ जाता है इसका मतलब x माइनस वन इज़ ए फैक्टर, ठीक है, और x इक्वल टू वन इज़ ए ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हाँ या नहीं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से फैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं। देखिए रिवर्स चलिए, अगर ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो x माइनस वन, इस वन को उधर ले जाऊँगा, ये क्या हो जाएगा? फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ये दो जीरो गिवन है तो क्या मैं इससे फैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ पॉलिनोमियल के? कैसे? x ये रूट टू इधर ले आओ तो माइनस रूट टू इक्वल्स टू ज़ीरो, ये एक फैक्टर हो गया। इसको इधर लेके आओगे तो x प्लस रूट टू, ये दूसरा फैक्टर हो गया, हाँ या ना। समझ आ रही है नहीं ये बात? पक्का? तो दो फैक्टर आपके पास ये हो गए, ठीक है। मुझे ज़ीरो चारों फाइंड आउट करने हैं तो उसका देखो तरीका क्या लगाता हूँ मैं। बुक वाला बहुत होशियार है, उसने मुश्किल का क्वेश्चन दिया है बट हम इससे होशियार हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? ये दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी इसको डिवाइड करेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस रूट टू मल्टीप्लाई x प्लस रूट टू, ये क्या फॉर्म हो गई? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट टू का स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आई? x स्क्वायर माइनस टू, हाँ है ना। तो इन दोनों ज़ीरो से मैंने दो फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल मैंने फाइंड आउट कर लिया और ये डेफिनेटली इसका क्या होगा? फैक्टर होगा, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू से। तो ये मिटा दूं मैं, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस टू से इसको डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू, उससे क्या होगा? रिमाइंडर तो ज़ीरो आ जाएगा, कोशेंट आ जाएगा आपके पास एक, और वो भी क्या होगा? फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर को 2x पावर 4 आना चाहिए, सो 2x पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। पुनीत समझ आ रहा है? ठीक है, सो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 2x पावर 4, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 4x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की टर्म के नीचे ही लिख दूंगा, हाँ है ना, ठीक है जी। ये कैंसिल आउट, दोनों इक्वल थे, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर क्या बच जाएगा? प्लस का x स्क्वायर। ये माइनस 3x क्यूब है, ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 2 है, एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है यहाँ तक। माइनस 3x क्यूब चाहिए तो माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स स्क्वायर को, सो माइनस 3x क्यूब माइनस 3x इंटू माइनस 2, सो माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं। 6x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये 12x आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2, ऐसा हो जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। सो अब एक्स स्क्वायर चाहिए, बट इसमें यार ये कैंसिल आउट होता तो बात बनती, ये प्लस का 6 है या माइनस का 6 है चेक करो, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, देखो माइनस का 3 है माइनस का 2 है, तो ये माइनस का थोड़ी ना बचेगा, ये प्लस का 6 आएगा और ये माइनस करना है, तो ये भी इक्वल हो गए दोनों और नेगेटिव साइन हो गया एक दूसरे का, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ सिर्फ ये वैल्यू बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस टू। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू को किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू आए वन से, एक्स स्क्वायर माइनस टू रिमाइंडर इज ज़ीरो, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया और ये एक पॉलिनोमियल और आ गया अपने पास जो कि है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दो जीरोस तो हमारे पास इससे आए हुए थे, अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और उनसे दो ज़ीरो निकाल लेंगे। देखिए
मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, पॉलिनोमियल है आपका 2x² - 3x + 1। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड कैसे अप्लाई करूँगा, 2x² × 1, 2x² आ जाएगा, मिडिल टर्म कितनी है -3। तो दो टुकड़े ऐसे करो, प्रोडक्ट करूँ तो 2x² आए और सम या डिफरेंस करूँ तो -3 आए, बताओ। अरे हाँ, -2 और 1, 1 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव 1 ना, नहीं बनेगी बात। पॉजिटिव 1 से देखो क्या होगा, 1 और दूसरा -2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 आएगा, जबकि +2 आना चाहिए, और दोनों का सम करूँगा तो 1 - 2 - 1 आएगा, जबकि -3 आना चाहिए। -1 और पॉजिटिव का 2x, माइनस का ही 2x, हाँ इससे हो जाएगा। देखिए -1 और -2, -, +1 × 2 तो 2 आ जाएगा, पॉजिटिव 2 आ जाएगा, -1 - 2 ये हो जाएगा -3। ठीक है, तो दो टुकड़े इसके होंगे, एक तो -x और एक हो जाएगा -2x। ठीक है, गॉट इट। चलो अब रखते हैं 2x², अब इसकी जगह यही रख देते हैं, माइनस का 2x, -x + 1, इनमें से कॉमन 2x आ जाएगा, यहाँ से x बचा -1, इनमें कॉमन -1 आ जाएगा, x - 1, दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, x - 1, और ये हो गया 2x - 1। ये समझ आया यहाँ तक, कैसे कर दिया मैंने, कोई डाउट इसमें नहीं। अब दो फैक्टर आ गए, x - 1 और 2x - 1। अब इनसे ज़ीरो फाइंड आउट कर लेंगे, देखिए x - 1 = 0, x = 1, तो एक ज़ीरो आ गया ये, और 2x - 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2, एक ज़ीरो आ गया ये, तो चारों ज़ीरो आ गए हमारे पास। दो तो ये थे, एक हमने फाइंड आउट किया 1 और एक हमने फाइंड आउट किया 1/2। दो और फाइंड आउट कर लिए, चारों ज़ीरो फाइंड आउट हमने कर लिए, गॉट इट। देखो आंसर सही है या नहीं, एक्स का 1 और एक्स का हाफ, दो वैल्यूज और फाइंड आउट हुई हैं। यही है, हाँ हाफ एंड 1। तो अब आपके सामने है एक्सरसाइज 2.3। हाँ बोलो, -3x² उसके नीचे +4x² नहीं है। देखो पहले तो आया ये माइनस का ही 4x², क्यों, क्योंकि x² 2x² को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4x² आएगा। अब क्योंकि ऊपर से नीचे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या वैल्यू बनेगी, -3x² माइनस करना है माइनस का 4x², तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, +4x². ठीक है, इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं कि साइन चेंज कर दो। ठीक है, प्रोसेस ये चल रहा है, बट क्या कि ऊपर वाले में से नीचे वाला मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर वो पहले से माइनस का है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके आपको क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे। ठीक है, हुआ डाउट क्लियर, कोई और डाउट पूछिए अगर कोई है तो इसमें।